दौसा जिले का एक युवक दिल्ली में रहकर आईएएस की तैयारी कर रहा था और इसी दौरान उसकी मौत भी हो गई। परिजनों का कहना है कि वह युवक दिल्ली में जाने के बाद प्रतिदिन 8 से 9 बजे के बीच शाम के समय बात करता था, लेकिन 9 सितंबर के बाद उसकी वार्ता नहीं हुई है। वार्ता नहीं होने के बाद 14 तारीख को उनके पिता दिल्ली पहुंचे और युवक को और अपने बेटे को ढूंढना शुरू किया। कहीं भी उसका पता नहीं लग पाया। काफ़ी प्रयास करने के बाद पिता ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस की मदद से युवक का एक पेड़ के लटका हुआ शव मिला, जिसके बाद परिजन काफ़ी सदमे में हैं। और गांव में उनकी माता उसी दिन से बीमार हैं और लगातार उनकी मां का इलाज भी चल रहा है। परिजनों का कहना है कि वह बहुत ही सज्जन था और किसी प्रकार का किसी से द्वेषता नहीं थी। अब गांव में सदमा है और शोक की लहर है। गांव में भी युवक की मौत के बाद दुख है। अब परिजन उसकी फोटो को देख देख कर रोने लगते हैं। परिजन अब मांग करते हैं परिजन पुलिस से कि जल्द ही इसको न्याय दिलाया जाए। मेरे बेटो साहब दिल्ली में कोई ने मार दिया, फांसी का फंदा का लटका रहेगा साहब, मेरे बेटा का साथ में धोखो हुए। इस मामले में अभी तक पुलिस ने क्या जांच की है, क्या कार्रवाई हुई है? अब पुलिस तो साहब हमको डेड बॉडी हेर दे दी, पुलिस ने तो हमारी खूब हेल्प करी है, अब वहाँ के बाद में हमारी बात को नहीं हाली पुलिस से। अच्छा, अभी ये बताइए जैसे कि आपका बेटा दिल्ली गया था, कब गया था, कैसे घटनाक्रम हुआ था, किस लिए गया था, क्या मामला? वो साहब 9 जुलाई को छोड़ रहे हैं हम साहब दिल्ली, मैन की तैयारी यूपीएससी मैन की तैयारी के लिए 9 जुलाई को छोड़ गया है साहब दृष्टि कोचिंग सेंटर में। रूम कहाँ पे दिलाया था? रूम कुंदलाया साहब दृष्टि वाला की तरफ से ही पीजी और लाइब्रेरी उन्हीं की पीजी में। वहाँ से लापता होने के बारे में जानकारी कब मिली आपको? मैं साहब डेली फ़ोन करो शाम की 8:30-9 बजे के बीच में, मेरे 11 तारीख को फ़ोन कौन उठाया, फिर मैंने 12 को फ़ोन करो कौन उठाया, 13 को फोन बंद होगा, मेरा जीव में टेंशन होगा, 14 को सुबह मैं भाग गया दिल्ली, वहाँ जाके देखा दृष्टिवाड़ा से भी बात करी, उनने तो कोई रेस्पेक्ट फोन दिया हमको, हमने ही सारे दिन घूमे आए कौन मिले हमको, फिर हम जो पुलिस की शरण ली है हमने, फिर गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवाई है और पुलिस ने साहब हमको डेड बॉडी हेर दे दी 20 तारीख को, मेरे बच्चा के साथ में धोखे हुए। वह कई चीज़ अलग दिख रही हैं, एक तो पुरानी शर्ट दिख रही है अलग, वो शर्ट हुआ की कौन, एक चद्दर है बैग में वो हुआ की कौन, पैर जमीन में टिकराएँ, जब खुद दीपक फांसी का फंदा के लटक दो पैर किसने टिकता जमीन में, यह बात मानो आप, मतलब मेरे बच्चा के साथ में धोखे हुए साहब, कोई ने मारे कोई और आदमी ने, अब वो ही पता कौन कुंडने मारे कुंडने न मारे, वो तो न्याय मिलना चाहेंगे साहब। आप बता रहे हो 11 तारीख को लापता हो गया था, तो 11 तारीख को जब लापता हुआ तो उसके साथ में और भी लोग साथी रहते होंगे, उन्होंने क्या बताया, क्या जानकारी दी, कहाँ गया था, कहाँ नहीं गया? साथी आशा हुआ का कमरा में 3 बच्चा रहे, मैं वो एक कमरा हूँ पीजी में, अब हम तो पहल गया, हम तो तक जाना भी कौन दिल्ली में, 3 बच्चा रहे एक कमरा में, वो नुखरा साहब हमसे तो फ़ोन करो बिलो खाएँ तेरा टेस्ट है आज, बिलो यार आ रहा हूँ चप्पल कठुआ बजा रहा हूँ, जे का बाद में बिलो कौन आयो, तो उनने भी हमको तो कोई सूचना कौन करी, न पीजी वाला ने करी वो कोचिंग वाला ने, हम तो हम ही गया हमारा हिसाब से, क्यों फ़ोन नहीं मिलो, फ़ोन स्विच ऑफ बोल रहे हो, जो हम तो हमारा हिसाब से हम ही गया। इस मामले में आपको किस पे संदेह है कि भाई किसी ने मारा है तो किसने मारा है इसमें किसी को? ना 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 सर, इसमें झूठों का आज नाम गला वो गलत है। घटना से पहले कैसे रहता था परिवार में? बहुत अच्छा रहो साहब, दिल खुश हो, बहुत अच्छा रहो, कभी बताता होगा भाई किसी तरह की समस्या बताता होगा कोई परेशानी? ना ना बिल्कुल कोई समस्या कौन बताई, समस्या ही बता दे तो साहब, मैं तो मेरे बेटा है दिल्ली से लिया तो घर, कोई सी बात बता दे तो मोकू तो मैं तो लिया तो घर। किस प्रकार के सपने देखता था पर नौकरी के? सपना तो साहब वो IAS बनवा का देखो, वहाँ का सपना तो बहुत ऊँचा, नौकरो एक बार थारो नाव कर दूँगा, गाँव का नाव कर दूँगा, इसी नौकरी लगूँगा मैं, ऐसा खेबा करो साहब हमसे। माँ से बात करता था तो क्या कहता था? माँ खेबा करे छोरा है तू रोटी भी कौन खावे, एक सारी पढ़ाई में रहे तू किसी नौकरी लगेगो, बिलो जी मैं इसी नौकरी लगूंगा, जो तो चांदी का झूला पर सोना का झूला पर झुला दूंगा, अब हम तो वो नौकरी ने कौन जाने कितने लौटी नौकरी लगेगो, हमको तो अब पता लगे वाने यूपीएससी की
पास करिए जब। अच्छा आप बता रहे हो प्री पास किया, तो कब पास किया था उसने प्री का, कैसे किस तरीके की मेहनत के साथ पास किया था? किरी साहब वाने जयपुर में रेयर पास करी वाला ऑनलाइन कोर्स खरीदे, हम पसंद हो गया ऑनलाइन कोर्स खरीद रहा हूँ मैं, जो ऑनलाइन कोर्स भी वन मैन की तैयारी के लिए खरीदे, प्री तो आगे पटवा से ही पास होगी। और भी पढ़ाई करिए, बारहवीं तक की कहाँ कर सकता है? गांव में पढ़ाई करिए साहब, साइकिल से ही जाओ महुआ, बढ़िया होशियार हो, कॉलेज में बीएससी करिए, होशियार हो साइकिल से, वो तो मेहनती छोरो बहुत अच्छा छोरो हो साहब। और प्री पास वाने 16 जून को तो परीक्षा लगी यूपीएससी की प्री की, 1 जुलाई को रजंटा को, जब मैंने खी में इनकी दीपक, वो 16 जून को ही खी मैंने, मैंने दीपक पेपर किसे हुए बोले खूब हुए, अब तुम यार दिल्ली की तैयारी कर ले, मैंने की बिगड़ रजंटा आए, अरे बोले हो जाएगा मेरा तो पहला ही बता दिया उन्होंने, परीक्षा लगता लगता ही। गांव का बच्चा था, आईएएस की तैयारी कर रहा था, तो गांव में भी सबका चाहिए था होगा किस तरीके से बात? अरे साहब गांव के बहुत तगड़ा कलेश है, गांव के बहुत तगड़ा कलेश है साहब। एक चीज़ आप बोलना चाहता हूँ, जैसे कि वो जब यहाँ से गया था तो किसी प्रकार की बात थी, आप गए थे छोड़ने के लिए यहाँ से गए थे या जयपुर से लेके गए थे? ना ना हमने घर बुला लियो, 2-3 दिन घर रहे हो हमारे खेने, कपड़ा उपड़ा भी धुआया, लिम्बो पे तो गल्ला है कपड़ा, अरे मैंने कि तेने प्री पास कर ली, हाँ सही कपड़ा से रहेगा का पुराना अंश ही, 2 जोड़ी कपड़ा भी धुआया है, 2-3 दिन नहा रहे, फिर 9 तारीख को छोड़ रहे हैं हम 9 जुलाई को। अभी आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं, दिल्ली पुलिस से, सरकार से, राजस्थान सरकार से? दिल्ली पुलिस राजस्थान सरकार से मैं तो नूँ साहब, मेरे साथ में न्याय मिले और कोई दूसरा का बच्चा सुने हो इसी, मैं तो यही हूँ, कोई दूसरा सुने हुए साहब, इसी बच्चा पढ़ रहा है दुनिया का, देश दुनिया का, कोई और दुनिया सुने हुए, और मैं तो यह बात हूँ साहब, मेरा बच्चा के साथ में धोखो है, मेरा बच्चा कोई ना मारे, वो बच्चा ऐसा नहीं था जो खुदकुशी करता, हमको पूरा विश्वास है।